नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वन विभाग में निकली हुई बंपर भर्ती के बारे में। जी हां दोस्तों, आपको बता दूं कि टोटल मिला के 10,537 पदों पे आपके आवेदन मांगे जा रहे हैं। आवेदन का तरीका आपका ऑनलाइन रहने वाला है, जिसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, एज लिमिट का क्राइटेरिया आपको बता दूं कि सारा डिटेल में इस वीडियो के अंदर हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है, 10वीं पास, 12वीं पास और ग्रेजुएट कैंडिडेट, वैकेंसी के लिए आवेदन ज़रूर कीजिएगा। अब यहाँ पर बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों, ये रहा आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन फॉरेस्ट गार्ड और रेंजर के पदों पे। आपको बता दूं कि डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें फॉरेस्ट गार्ड, रेंजर और वाइल्ड लाइफ गार्ड के पदों पे आपके आवेदन मांगे जा रहे हैं, जो कि 10,537 पद आपके रहेंगे। अब आपको यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज लिमिट का क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस, अप्लाई कैसे करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट डेट्स, सारी डिटेल आपको बता देता हूँ इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कैटेगरी वाइज पोस्टों के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं फॉरेस्ट गार्ड के। तो फॉरेस्ट गार्ड के टोटल मिला के 7,477 पदों पे आपके आवेदन मांगे जा रहे हैं। जनरल कैटेगरी में कितनी पोस्ट आपकी रहने वाली है, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, वो भी आप यहां पे चेक कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे फॉरेस्ट रेंजर की। तो फॉरेस्ट रेंजर के आपके 685 पद रहने वाले हैं। वाइल्ड लाइफ गार्ड की अगर हम बात करें तो 2375 पदों पर आपके आवेदन मांगे जा रहे हैं। टोटल मिला के 10,537 पदों पर आपके आवेदन मांगे जा रहे हैं, जो कि ऑनलाइन आपके आवेदन होंगे। फिजिकल स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें तो आपको बता दो कि यहाँ पे मेल और फीमेल कैटेगरी में आपका अलग अलग क्राइटेरिया रखा गया है, जिसमें अगर हाइट का क्राइटेरिया देखें मेल कैटेगरी में तो 163 सेंटीमीटर, फीमेल कैटेगरी में 150 सेंटीमीटर आपका होने वाला है। चेस्ट अगर बात करें तो मेल कैटेगरी में 84 सेंटीमीटर, फीमेल में 79 सेंटीमीटर आपका रखा गया है। रनिंग की अगर बात करें तो 25 किलोमीटर 4 घंटे में मेल कैटेगरी में और फीमेल में 16 किलोमीटर 4 घंटे में आपको पैदल चल के जाना पड़ेगा। आगे दोस्तों हम देख लेते हैं एज लिमिट का क्राइटेरिया। तो फॉरेस्ट गार्ड की पोस्ट के लिए 18 से 27 साल के बीच में आपकी एज होना जरूरी है। फॉरेस्ट रेंजर के लिए 30 साल मैक्सिमम आपकी बता रखी है। वाइल्ड लाइफ गार्ड की पोस्ट के लिए भी 18 से 27 साल के बीच में आपकी एज होना जरूरी है। तो इसके अलावा भी रिलैक्सेशन आपको अलग से मिलेगा, जैसे कि ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है, एससी एसटी के लिए 5 साल का। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो फॉरेस्ट गार्ड के लिए 12वीं पास, साथ में आपको बेसिक नॉलेज होना जरूरी है लोकल लैंग्वेज का। फॉरेस्ट रेंजर के लिए बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और वाइल्ड लाइफ गार्ड के लिए 10वीं पास मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी गई है। एप्लीकेशन फीस की अगर हम देखें तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए मात्र 100 रुपये आपकी फीस रहेगी, वहीं एससी एसटी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कोई भी चार्जेस नहीं रहेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका रहने वाला है। आवेदन जरूर कीजिएगा। आवेदन का तरीका आपको बता दूं कि ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा, जिसमें डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग किसी के भी थ्रू आप आवेदन कर सकते हैं। डिमांड ड्राफ्ट, मनी ऑर्डर, पोस्टल ऑर्डर, चेक आपके यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, पे स्केल की अगर हम आपको बता दें तो पे स्केल में आपको बता दूं कि यहाँ पे फॉरेस्ट रेंजर की पोस्ट के लिए लेवल 6 का पे स्केल मिलेगा 35,400 से लेकर के 1,12,400 रुपये। फॉरेस्ट गार्ड के लिए आपको बता दूं कि 25,000 से लेकर के 80,000 रुपये आपको पे स्केल मिलने वाला है। वाइल्ड लाइफ गार्ड की पोस्ट के लिए 18,000 से लेकर के 56,900 रुपये आपको पे स्केल रहेगा, 7th पीसीपीसी आपका रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस, फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट आपका होगा, मेजरमेंट टेस्ट आपका होने वाला है, रिटन एग्जामिनेशन होगा और इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कंडक्ट करवाया जाएगा। इंपॉर्टेंट डेट्स की आपको बता देता हूं कि 15 जुलाई से आपके आवेदन स्टार्ट हो चुके थे, लास्ट डेट आपकी रहने वाली है 20 अगस्त। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है, लास्ट डेट से पहले पहले आवेदन जरूर कर लीजिएगा। काफी अच्छी वैकेंसी है, 10,537 पद आपके रहने वाले, ऑल इंडिया लेवल की भर्ती रहेगी, जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जरूर कीजिएगा। अब मिलेंगे यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।